ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी विल बी स्टार्टिंग द टुडे विद 8th ऑफ जुलहिज्जा। ओके, ऑन द 8th डे ऑफ जुलहिज्जा व्हाट डू द हाजीज डू? 8th जुलहिज्जा को हाजीज क्या करते हैं ये हम देखेंगे। व्हाट डिड वी सी इन द मंडे? व्हाट डिड वी सी ऑन मंडे? यस, वी सॉ दैट three types of hajj are there and how can hajis go from makkah to mina? kaise ja sakte ho log? either by walking, by bus or by train. now today is 8th of zulhijja. alhamdulillah, the hajis have reached their tent in mina. what they are supposed to do at mina? abhi hajis कहाँ पहुँच गए हैं? मीना पहुँच गए हैं अपने टेंट्स में, बट वो लोगों को वहाँ पे करना क्या है? वॉट डू दे हैव टू डू इन मीना? On 8th of Zulhijja, they will be staying in their tents in Mina and will be offering Qasr prayers. Okay? So on 8th of Zulhijja, Hajis जो है अपने tents में ही रहेंगे Mina में and they will be shortening their prayer. Qasr Salah पढ़ेंगे. Okay? नमाजों को join करके पढ़ा जाता है, जैसे जोहर और असर को combine किया जाता है. Okay? So Salahs को जो है वो combine Qasr करके पढ़ते हैं when we are ट्रैवलिंग. सो ऑन हज हाजीज क्या करेंगे? कसर सलाह पढ़ेंगे. दे विल नॉट प्रे देयर फुल सलाज, दे विल कंबाइन द कसर, दे विल कंबाइन देयर सलाज. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स दे विल बी ऑफरिंग टू रकाज ऑफ जोहर, असर एंड ईशा सलाह इंस्टेड ऑफ फोर रकाज. ओके, दो रका जोहर की पढ़ी जाएगी. ओके, शॉर्ट हो गई जोहर की. जोहर की यूजुअली कितनी होती है? यस, फोर रकाज होती है. तो दे विल, हाउ मेनी दे विल प्रे? दे विल प्रे टू रकाज ऑफ जोहर एंड दे विल प्रे टू रकाज ऑफ असर एंड टू रकाज ऑफ ईशा. इंस्टेड ऑफ फोर, सलाह को क्या कर दिया गया? शॉर्टन कर दिया गया. ओके, सो दिस इज दीज हाजीज डू व्हेन दे आर इन मीना. जब वो लोग मीना में होते हैं 8th ऑफ जुलहिज्जा को, तो पूरी चार रकात नहीं पढ़ेंगे. दे विल नॉट प्रे फुल, दे विल प्रे कसर सला. ओके, दैट इज फोर रकाज की जो नमाज है उनको क्या कर दिया गया? यस, दे आर शॉर्टन. तो उसको क्या बोलते हैं? यस, दे आर कॉल्ड कसर सला. ओके स्टूडेंट्स, ये कब पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? इन मीना ऑन 8th ऑफ जुलहिज्जा. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ओके, एंड देन नाउ यू हैव एन एक्टिविटी अगेन. एक्टिविटी है, ठीक है. कैस हैज बीन स्केचिंग द टेंट्स इन मीना. मीना के टेंट्स आई शोड यू अर्लियर ऑल्सो, मंडे के भी स्लाइड में हमने देखे थे अंदर से कैसे दिखते हैं. ओके, सो टेंट जो है वो ऐसा दिखता है. इफ यू कैन कॉपी द टेंट आउटलाइन बाय फॉलोइंग फोर इजी स्टेप्स में, दिस चाइल्ड हैज ट्राइड टू स्केच द टेंट. ओके, ड्रॉइंग एक्टिविटी है. आफ्टर यू हैव फिनिश इट, उसको कलर कर लो. ठीक है, तो ये फोर स्टेप्स से टेंट बनाओ, उसको ड्रॉ करो, कलर करो और टीचर, क्लास टीचर को फोटो भेजो. ओके, यस, शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स सी आगे क्या है. 8th ऑफ जुलहिज्जा रात को क्या करना है? दिस वॉज डे, राइट? नाउ द डे इज ओवर, हाजीज हैव गॉन टू स्लीप. और वो टेंट्स जो है वो बाहर से ऐसे दिखते हैं. देखो, ऊपर से जब हम देखेंगे, बाहर से वो टेंट्स ऐसे दिखते हैं. अंदर से कैसे दिखता है? आई शोड यू ऑन मंडे. यस, नाउ फ्रॉम आउटसाइड दीज टेंट्स लुक लाइक दिस. ओके, एंड दिस मच इज द क्राउड ड्यूरिंग हज. ओके, दिस इज 8th जुलहिज्जा नाइट. ओके स्टूडेंट्स, यस, शैल वी प्रोसीड? अगेन इज द एक्टिविटी. सम प्लेसेस विच आर प्लेसेस अबाउट द प्लेसेस एंड एक्टिविटीज इन साइड द ग्रैंड मस्जिद इन मक्का. ओके, हेल्प हिम टू सर्च फॉर द टर्म्स बाई फाइंडिंग देयर नेम्स इन द वर्ड एंड वेन यू हैव फिनिश्ड इट, सी इफ यू कैन फिगर आउट वॉट अरेबिक वर्ड ऑल द लेटर्स आउटलाइन. ये जो पूरा बना है ये कौन सा अरेबिक वर्ड है ये पहले फिगर आउट कर लो. उसके बाद यू कैन सी अल्फाबेट्स है इसके अंदर, तो इसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं. एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, देखो, इब्राहिम है, फिर हजरे अस्वद दिख रहा है मुझे, फिर मुझे तवाफ दिख रहा है. ये सारे वर्ड्स जो है आपको ढूंढने हैं और लिख के भेजने हैं. विच वर्ड्स हैव यू फाउंड? ओके, यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ 8th of Zulhijja, हाजीज वेंट टू स्लीप, दे रीच्ड मीना इन द मॉर्निंग. सलाह को शॉर्ट करके पढ़ लिए, कसर सलाह कर लिए, राइट? देन नाइट दे वेंट टू स्लीप. नाउ व्हाट ऑन 9th of Zulhijja? द हाजीज विल लीव मीना.
ओके हाजीज जो है मीना से निकल जाएंगे. टुडे इज 9th ऑफ जुलहिज्जा. द हाजीज हैव ऑफर्ड देयर फजर प्रेयर्स. फजर की नमाज पढ़ ली है वो लोगों ने. एंड दे आर गेटिंग रेडी टू गो वेयर. यस दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू अरफा. ओके दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू अरफा स्टूडेंट्स. ओके दिस इज द पिक्चर ऑफ मीना आउटसाइड व्हेन हाजीज आर गेटिंग. वो लोग रेडी हो रहे हैं कि वो लोग मीना के लिए जाए. ओके यस नाउ 9th ऑफ जुलहिज्जा एट अरफा. सो 9th ऑफ जुलहिज्जा हाजीज कहाँ है? यस दे आर एट अरफा. ओके दे विल रीच अरफा. मॉर्निंग दे वर एट मीना. मीना से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? अरफा में जाएंगे. ओके यस नाउ दे हैव रीच्ड अरफा. इट इज जोहर टाइम ऑलरेडी. यानी जब तक मीना से अरफा का डिस्टेंस इतना है कि पहुंचने के लिए जोहर हो जाती है. ओके सो बाय द टाइम दे रीच अरफा इट इज जोहर टाइम. जोहर का टाइम हो जाता है. ओके दे विल नाउ ऑफर हाउ मेनी रका स्टूडेंट्स? कितनी रका पढ़ेंगे इधर? चार रकात पढ़ेंगे? नो अगेन द सलाह इज शॉर्टेंड ईयर. इट इज कसर सलाह. कसर पढ़ेंगे दो रकात ही पढ़ेंगे. दे विल ऑफर टू रकाज ऑफ जोहर सलाह एंड टू रकाज ऑफ असर सला टुगेदर. ओके यस व्हाई डू हाजीज कंबाइन द जोहर एंड असर प्रेयर इन अरफा? जोहर और असर की नमाज एक साथ ही पढ़ते हैं अरफा में. क्यों? व्हाई? कसर सला को कंबाइन करके क्यों पढ़ रहे हैं? आई विल गिव यू द आंसर. बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू सो. क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किए थे. व्हेन ही रीच्ड दैट अरफा, जब वो अरफा पहुंचे थे तो उन्होंने सलाह को क्या किए थे? कंबाइन कर लिए थे जोहर और असर की, और जोहर की दो रकात और असर की दो रकात साथ में पढ़ लिए थे. ओके एट अरफा. यस स्टूडेंट्स अंडरस्टूड. नाउ हाजीज हैव इनफ टाइम टू प्रे टू अल्लाह सुभानहू व तआला. राइट दे हैव इनफ टाइम टू प्रे टू अल्लाह सुभानहू व तआला. सो नाउ दे हैव रीच्ड अरफा. नाउ यस स्टूडेंट्स अरफा पहुंच गए हाजी. 9th ऑफ जुलहिज्जा को दो रका जोहर और दो रका असर की नमाज भी पढ़ लिए. एंड दे हैव इनफ टाइम टू प्रे टू हज. हज व्हाई डू वी डू हज स्टूडेंट्स? हज क्यों कर रहे हैं हम लोग? यस इट इज कंपल्सरी ऑन ऑल ऑफ अस. राइट इट इज हमारा एक पिलर ऑफ इस्लाम है. इट इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम दैट वी हैव टू डू. राइट इफ वी हैव द मीन्स. बट हज इज फॉर आस्किंग फॉरगिवनेस टू अल्लाह सुबहाना व ताला ऑल्सो. राइट हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं. हमने जो भी हमको चाहिए हम अल्लाह से. वी आर सो क्लोज टू अल्लाह सुबहाना व ताला व्हेन वी आर ऑन हज. राइट वी आर ऐसे भी वी आर क्लोज स्टूडेंट्स. राइट बट ऑन हज वी हैव गॉन टू हाउस ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला. हम अल्लाह के घर गए हैं तो हम लोग अल्लाह से सबसे ज़्यादा नज़दीक है. सो हाजीज के पास अरफात में बहुत टाइम है अल्लाह से दुआ करने के लिए. ठीक है सो आफ्टर दे आर असर सलाह रात तक वो लोग के पास टाइम है कि वो लोग अल्लाह से दुआ करें, माफ़ी मांगे, जो चाहिए वो मांग लें. ओके स्टूडेंट्स सो मेक दुआ टू अल्लाह सुबहाना व ताला इंशाल्लाह कि वी ऑल गेट अ चांस टू गो टू हज. एंड दिस इज हाउ अगेन आई एम शेयरिंग यू द पिक्चर. ऐसे दिखते हैं टेंट्स अंदर से हाजीज के. वो लोग रेस्ट कर रहे हैं. नाउ दे आर रेस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स नाउ अगेन इज एन एक्टिविटी फॉर यू. एहराम में व्हेन अभी हाजीज नाउ दे आर स्टिल इन एहराम. राइट एज यू कैन सी द हाजीज आर स्टिल इन एहराम. सो वॉट कैन नॉट वी डू इन एहराम? एहराम में ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं. ओके क्या क्या नहीं कर सकते? पिक्चर्स दिया है. ओके Tabith is wearing his ihram for Hajj and needs a little help learning about what to avoid when he is in ihram. Match the labels to pictures and then tick the images that are okay for him. Ask an adult for help. Now, can we apply perfume while on ihram? Boys, tell me, can you apply perfume? Ask mummy. Okay, cover your head. Can boys cover their head? No. Can you kill an animal? Hunt? No. Can you wear gloves? No, gloves cannot be worn. Can you drink zamzam? Yes. Eat dates? Dates kha sakte hai? Khajur kha sakte hai? Yes. Can you clip nails? No, nails kaat nahi sakte when you are on hajj. Cut hair? No, till you have not performed your sacrifice, tab tak hairs bhi cut nahi ho sakte hai. Can you take a bath? Can you take a bath? Yes, you can take a bath, right? So now, you have to first match. अप्लाई परफ्यूम. परफ्यूम का पिक्चर क्या है उससे पहले मैच करो और फिर टिक करो कौन सा कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. ओनली फर्स्ट वन आई एम लेफ्ट फॉर यू. आपको ढूंढना है कि कैन यू अप्लाई परफ्यूम ऑन नो. ओके चलो कम ऑन डू द एक्टिविटी. इसकी इमेज जो है वो किसको भेजेंगे आप? यस यू विल सेंड इट टू योर क्लास टीचर. नेक्स्ट आगे क्या होता है इंशाल्लाह वी विल सी व्हेन वेडनेसडे टुमारो.
ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी एंड डू योर एक्टिविटीज. ओके.